हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी, आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल। तो दोस्तों, तारीख है आज 7 फरवरी और समय है सुबह मॉर्निंग क्विज का। 5 क्वेश्चन हम रोज करते हैं, तो आज भी हम 5 क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, सुमित 10 ये जो आपको रेड कलर्स में दिख रहा है, ये क्या है? तो सुमित 10 बेसिकली दोस्तों मेरा कोड है, रेफरल कोड है। इस कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। जैसे अनअकैडमी का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो होता है आपका, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 40,000, है ना। उस 40,000 में अगर आप सुमित 10 रेफरल कोड के अंदर इस्तेमाल करते हो तो आपको ये कोर्स पड़ेगा 36,000 का। 4,000 का आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट जो है यहां से मिलेगा। सो सुमित 10 बेसिकली क्या है, ये रेफरल कोड है। यू कैन यूज दिस कोड टू गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, ठीक है। पहला सवाल हमारा इकोनॉमिक सर्वे से है। देखो, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो बजट सरकार पेश करती है। बजट कब पेश करती है आपका, ये करती है बजट सेशन में। इसके लिए बजट सेशन होता है, बजट सत्र होता है हमारा। बजट सेशन कब होता है, फरवरी से स्टार्ट होता है, इट विल लास्ट अप टू मई, है ना। अब फरवरी में किस डेट से होगा, देखो पहले होता था लास्ट डेट ऑफ फरवरी, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, और अब ये हो गया फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, है ना। तो ये किस दिन होता है, वास्तव में ये डिसाइड करने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है ये डिसाइड करता है कब ये होगा। तो इसके लिए देखो, पहले अगर देखते तो बजट प्रेजेंट किया जाता था 28 फरवरी को, लेकिन अब कब करते हैं हम, 1 फरवरी को। तो क्या इसके लिए कोई अमेंडमेंट किया हमने, संविधान में संशोधन किया, तो याद रखना नहीं किया, है ना। इसके लिए कोई संशोधन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट का काम है सिंपल। प्रेसिडेंट कभी भी संसद को सत्र में आमंत्रित कर सकता है। अब जो बजट रखा जाता है ना, जस्ट इससे वन डे बिफोर आपका क्या रखा जाता है, आपका इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे जो है, इसको हम क्या बोलते हैं आपका, यहां पर लिखा हुआ है देखो, आर्थिक सर्वेक्षण। तो आर्थिक सर्वेक्षण क्यों करते हैं, देखो जैसे बजट रखा जाएगा, तो इस बार जो बजट रखा गया है कब का रखा गया है, 2020 और 2021 के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। 2020 कब से, मतलब आपका अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा, एंड इट विल लास्ट अप टू आपका मार्च 2021 तक ही चलेगा, ठीक है। तो ये इसके लिए तो बजट अगले साल के लिए, लेकिन पिछले साल में हमने कैसा काम किया हमारी इकोनॉमी ने, उसके लिए एक सर्वे हम करते हैं, तो उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे। पूरी इकोनॉमी का सर्वे जो है करते हैं। एक इकोनॉमिक सर्वे करता कौन है दोस्तों, ये तो इसको करने के लिए हमारे पास होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, CEA। और ये किसके अंडर में काम करता है, ये काम करता है आपका डिवीजन होता है इकोनॉमिक में, उसमें कौन सा डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर में। तो अभी मैं बताऊंगा, देखो आपको चार्ट से पता चल जाएगा, और ये इकोनॉमिक डिवीजन के अंदर में काम करता है। रुक जाइए, अभी देख लेते हैं इसको आगे, ठीक है, आगे आपको सही से समझ में आएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको। फर्स्ट क्या है, द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड फॉर प्रेजेंटिंग द इकोनॉमिक सर्वे, सरकार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने के लिए संविधानिक रूप से बाध्य है, नहीं है। तो संविधान में ऐसा कुछ नहीं किया, हम खुद से रखते हैं ऐसा, है ना। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कहा, बजट के लिए बोला गया है। बजट कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 112 एक्सक्लूसिव सेज दैट कि बजट होगा, है ना। 112 जो है वो कहता है कि देयर शुड बी अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। प्रेसिडेंट इज कोर्स टू लेड द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट, बट देर इज नो सच क्लोज फॉर द इकोनॉमिक सर्वे, देर इज नो सच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दैट्स वाई द गवर्नमेंट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंडेड फॉर द प्रेजेंटिंग of the economic survey. First, गलत हो गया। Second, it is a flagship document of the finance ministry which is presented along with the budget. देखो, flagship का मतलब होता है प्रमुख। तो हाँ, ये आपका economic ministry, finance ministry का एक मुख्य प्रमुख दस्तावेज तो है, लेकिन साथ साथ ये कह रहा है कि इसको बजट के साथ नहीं, बजट के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाता, बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, तो गलत हो गया। द सर्वे इज यूज टू प्रेजेंट अ डे आफ्टर द यूनियन बजट, एक दिन पहले किया जाता है, ना कि एक दिन आफ्टर, अब बाद में। तो डी इज द राइट आंसर, कोई भी सही नहीं है। सो डी इज द राइट आंसर, देख सकते हो डी इसका सही जवाब है। बाकी मैं सारी बात बता चुका हूं। ये इकोनॉमिक सर्वे का एक स्नैपशॉट है, मतलब हाईलाइट बताई हुई, बट मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे के सेशन देने वाला हूं, वहां पर मैं डिस्कस करूंगा सारी चीजें, मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है। तो कब रखा जाता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है, आप पढ़ोगे पता चल जाएगा। अब ये होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। देखो, वित्त मंत्रालय में 3 डिपार्टमेंट होते हैं, पहला होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दूसरा होता है आपका एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, तीसरा होता है इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट। इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट में 1 2 3 4 5 6 डिवीजन होते हैं। इकोनॉमिक डिवीजन जो होता है ना,
इसके अंडर में काम करता है कौन, आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो पूछा जाता है इकोनॉमिक, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहाँ काम करता है, तो इकोनॉमिक डिवीजन में, जो किसके अंडर में आता है, इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम बोर्ड जो है ये किसके अंडर में काम करता है, तो रिवेन्यू डिपार्टमेंट, और रिवेन्यू डिपार्टमेंट किसके नीचे काम करता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये इंडिया ईयर बुक टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल है येलो रस्ट। देखो येलो रस्ट क्या है, अभी रबी की क्रॉप जो है हमारे पास चल रही है, रबी मतलब आपका अभी गेहूं जो है रबी क्रॉप्स है, तो आप देखोगे तो गेहूं के जो लीव्स है ना ये येलो होने लगते हैं, ठीक है, और इसी बीमारी को बोलते हैं येलो रस्ट, है ना। ये देखो देख पा रहे हो, गौर से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये जो ये रस्ट ये दिख रही ना आपको, दिस इज अ फंगस, ये फंगी है, और ये क्या करती है, धीरे धीरे जो आपका जो लीव्स होता है इसमें फोटोसिंथेटिक के लिए जो एलिमेंट है क्लोरोफिल पर्णहरिम जो होता है उसको ये डिप्लीट कर देती हैं। इससे जो आपका जो पौधा है वो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाता, फिर अपना फूड नहीं बना पाता, और इससे जो पेड़ है उसकी डेथ भी हो जाती है ना। चलिए तो इससे संबंधित कुछ बातें हमें करनी है। तो बेसिकली इट इज अ फंगीसाइड, और इसको अगर आपको इसका उपचार कराना है तो क्या करना पड़ेगा, खेत में फंगस को हटाने वाली दवाइयां छिड़कनी पड़ेंगी, है ना। चलो देख लेते हैं। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द येलो रस्ट डिजीज। भाई पीली रस्ट रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। येलो रस्ट इज अ फंगल डिजीज विच टर्न्स द क्रॉप लीव्स इनटू अ येलोइश कलर एंड स्टॉप फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी। ये क्या कह रहा है, पीला रतुआ एक कवक रोग है जो फसल की पत्तियों को पीले रंगों में बदल देता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया को रोक देता है। बात सही कह रहा है ये, ठीक है, बात एकदम सही बोल रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है आपकी। सेकंड देखो, एप्रोप्रिएट इंसेक्टिसाइड नीड्स टू बी स्प्रेड। भाई उपयुक्त कीटनाशक, कीटनाशक तो जब छिड़कोगे ना, जब कीटाणु होंगे, इंसेक्टिसाइड थोड़ी ना, फंगस है तो आपको फंगीसाइड छिड़कना पड़ेगा। सो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, ओनली वन, सो ए इज द राइट आंसर। सो ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आंसर जो होगा इसका क्या होगा, ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट, तो ए सही जवाब है। तो रिसेंटली अभी पंजाब एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट इशूड एन एडवाइजरी अबाउट द येलो रस्ट डिजीज इन द व्हीट क्रॉप। हाल ही में पंजाब कृषि और किसान कल्याण विभाग ने गेहूं की फसलों में येलो जंग रोग के बारे में सलाह जो है, एडवाइस जो है वो जारी की है, ठीक है। इट इज अ फंगल डिजीज, ये फंगल डिजीज है विच टर्न्स लीव्स येलोइश एंड अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये कवक रोग है जो पीलेपन को पीलापन छोड़ देता है और उससे प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है, बताया तो मैंने आपको, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, टेम्परेचर ट्रीटमेंट, ठीक है, बट आपके काम का गेन ये नहीं है, है ना। अगर टेम्परेचर देखो 18 डिग्री रखा जाए तो ये इंक्रीज होता है, बढ़ता है, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए 18 से 25 के बीच में तो ये कम हो जाता है देखो, लेकिन 25 डिग्री अगर मेंटेन रखा जाए तो फिर ये ऐसा, और 25 से 18 डिग्री तो ये कुछ पता नहीं, ये टेम्परेचर ट्रीटमेंट है येलो रस्ट के बारे में तो बताया गया, तो अपने अगेन ये काम का नहीं है, ठीक है। येलो रस्ट डिजीज अपीयर्स एज अ येलो स्ट्रिप ऑफ द पाउडर और डस्ट, जैसे जंग नहीं होता आपका या रेत होता है, इस तरीके का आपको ना ये जो व्हीट के क्रॉप्स हैं उसकी पत्तियों पर दिखाई देता है। द येलो पाउडर्स कम्स आउट ऑफ द क्लोथ, जैसे आप इसको छूओगे ना तो ये जो पीला पीलापन है ना ये आपके हाथ पे या कपड़ों पे आ जाएगा। इन इंडिया इट इज अ मेजर डिजीज इन द नॉर्दर्न हिल जोन एंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन। भारत में उत्तरी पहाड़ियों क्षेत्रों में और उत्तरी पश्चिमी मैदान क्षेत्र में एक बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है। इट इफ फार्मर ऑब्जर्व येलो रस्ट इन द पैचेज इन देयर व्हीट फील्ड दे शुड स्प्रे। देखो फंगीसाइड उनको क्या खरीद छिड़कना पड़ेगा, फंगीसाइड खरीदना छिड़कना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। ये वन लाइनर है दोस्तों, शक्तिकांता दास जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनको बेस्ट सेंट्रल बैंक इन एशिया पैसिफिक से अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। अच्छा ये क्या है दोस्तों, दिस इज नगोबा जतारा, ठीक है, ये क्या है, बेसिकली ट्राइब है, तो अभी देख लेते हैं। सो नगोबा जतारा सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। समाचार में देखा गया है क्या, नागोबा जतारा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, आपको बताना है। ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी पुंडुचेरी, डी क्या है तेलंगाना। तो मैं बता दूं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो गोंड ट्राइब होती है ना, गोंड ट्राइब, ठीक है, तो वो ये बेसिकली इसको सेलिब्रेट करती है, किसको, आपका नगोबा जतारा को। सो बेसिकली इट इज इन तेलंगाना, तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, डी तेलंगाना। डिटेल में देख लेते हैं। सो इट इज अ ट्राइबल फेस्टिवल, ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है जो आपका कैसलपुर विलेज ऑफ आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना, यहाँ पर होता है, आदिवासी महोत्सव है।
इट इज द सेकेंड बिगेस्ट ट्राइबल कार्निवल एंड सेलिब्रेटेड बाय द मेसाराम क्लैन ऑफ द गोंड ट्राइब फॉर 10 डेज. ये 10 दिनों तक के लिए गोंड जनजाति के मेसाराम कबीले द्वारा मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी फेस्टिवल कार्निवल ये है. ठीक है. द गुडसी द गुसादी डांस परफॉर्मेंस बाय द डांसर फ्रॉम द गोंड ट्राइब इज अ मेजर स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ दिस इवेंट. गोंड जनजाति के नृत्यकियों द्वारा गुसाड़ी नृत्य प्रदर्शन इस आयोजन का एक प्रमुख आकर्षण रहेगा. ठीक है, चलिए. अच्छा, ये तो था येलो रस्ट, अभी पढ़ा हमने. अभी वो जो लोकास्ट स्वाम जो होते हैं ना, जिसको हम हेलीकॉप्टर बोलते हैं, टिड्डा बोलते हैं, तो अभी गुजरात में भी आया था, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा हो गया था, उससे पूरी फसल खराब हो गई थी दोस्तों. तो पाकिस्तान ने ना उसकी वजह से, लोकास्ट की वजह से, स्वाम की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, नेशनल इमरजेंसी जो है वहां पर वो डिक्लेयर कर दी थी, राष्ट्रीय आपातकाल. बताओ, लोकास्ट ने इनकी हालत कर दी और ये लड़े इंडिया से, चले इंडिया से लड़ने. अगली बात करते हैं दोस्तों एनसीआरबी से, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो इससे देखते हैं दोस्तों क्या सवाल है. कि द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से संबंधित कुछ कथनों पर आपको विचार करना है और मुझे इसके जवाब देने हैं आपको. पहला, एनसीआरबी वाज सेट अप इन 1986 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. भाई 1986 में गृह मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना की गई थी. पहली बात, तो बात तो सही है यार, सही की गई थी. इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मर्जिंग ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड पुलिस कंप्यूटर बीसीपीसी, इंटरस्टेट क्रिमिनल डेटा ब्रांच ऑफ सीबीआई, सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ सीबीआई एंड स्टैटिस्टिकल ब्रांच ऑफ बीपीआरएनडी. बिल्कुल सही है, इनको सबको मिला के ही ना ये हम पहला. बेसिकली क्या दोस्तों, ये एनसीआरबी का काम क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए आपको कि दुनिया में, भारत के अंदर नॉट दुनिया में, इंडिया के अंदर कितने क्राइम हो रहे हैं, उनका बेसिकली एक रिकॉर्ड जो है ये रखा जाएगा, है ना. तो भारत में एक रिकॉर्ड रखने के लिए पहले बहुत सारे संस्थान थे, है ना, अब उनको मर्ज करके एक बना दिया गया है और उसी को नाम दे दिया गया क्या, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. सो सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका, ये क्या है आपका, सही है. तो इसमें बोथ द स्टेटमेंट आर राइट, सी इज द राइट आंसर, सही जवाब है. सो ये आप देख सकते हो, इसकी रिसेंट कुछ रिपोर्ट्स हैं, तो आप देख सकते हो दोस्तों, एक बार इसको चेक कर लेना. रिपोर्ट्स मैंने यहाँ पे रख दी है. तो ये 1986 में बनाया गया था और इन डिपार्टमेंट को मिला के बनाया गया है. बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है इसकी. और ये दिल्ली, असम और केरला में कुछ क्राइम के सीन बताए हैं, तो ये अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं इसलिए इन चीजों को. सिटीजन कैन सर्च फॉर देयर मिसिंग किन इन देयर यूजर फ्रेंडली पोस्टल पोर्टल. नॉट दिस इज पोस्टल, ये मिस थोड़ा प्रिंट है, तो ये पोस्टल नहीं है, ये पोर्टल है. यूजर एक पोर्टल है इसकी एनसीआरबी की, वहां पर अगर कोई किसी का कोई लापता परिजन है तो उसकी खोज कर सकता है. अगेंस्ट द नेशनल डेटाबेस ऑफ रिकवर्ड अनआइडेंटिफाइड फाउंड पर्सन और डेड बॉडीज. लापता जो आदमी होते हैं उनको या तो व्यक्ति वो मिल जाए, अज्ञात व्यक्ति मिल जाए, या उनके शव डेड बॉडीज जो मिलती है, तो उनका एक डेटाबेस यहाँ तैयार किया जाता है. तो किसी को भी अगर अपना लापता परिजन की खोज करनी है तो वो यहाँ से देख सकता है. इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर में है. इट्स ब्रिंग्स, ये एक एनुअल कॉम्प्रीहेंसिव स्टेटिस्टिक्स ऑफ द क्राइम. भारत के अंदर जितने भी क्राइम होते हैं ना, उसकी एक वार्षिक रिपोर्ट जो है वो तैयार करती है, जिसको बोलते हैं क्राइम इन इंडिया. बहुत बार न्यूज में भी रहता है. ठीक है, चलिए अब अगला सवाल बात करते हैं दोस्तों. दिस इज फ्रॉम द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ये कौन रिलीज करता है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, इसको कौन आपका बेसिकली रिलीज करता है. अगर मैं बताऊं आपको, तो इसको अगर हम देखें तो इसको कौन रिलीज करता है दोस्तों, बेसिकली अगर अपन देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार. ये इसको बेसिकली एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो रिलीज. अब ये बेसिकली इसमें ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बताया जाता है. देखो, पहले आदमी ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, है ना, पत्थर के हथियार बनाए, फिर ये डंडा वंडा बनाया, फिर ये लोहे से बनाए, फिर ये बनाया, फिर अब देखो, आप देखोगे तो कंप्यूटर वंप्यूटर चलाने लग गया, और ये अब आप लोग हो, ये पढ़ाई कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो. ठीक है, ठीक है ना. तो ये इवोल्यूशन हुआ, किस प्रकार से आदमी का इवोल्यूशन हुआ है, ये इस बात को पूरा ट्रेस करता है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. चलिए, इससे संबंधित सवाल है कुछ. अभी आप जानते होंगे तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने पूरी एक जो वॉल्यूम है वो महात्मा गांधी को डेडिकेट कर दी है. तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में निम्नलिखित विवरणों पर विचार करो. ए एन एस आई वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. ये भाई संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है,
ये बात बिल्कुल सही है, अभी तो पढ़ा हमने. टू स्टडी द ट्राइब्स एंड द अदर कम्युनिटीज दैट फॉर्म्स द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बोथ फ्रॉम बायोलॉजिकल एंड कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू. उन जनजातियों और अन्य समुदायों का अध्ययन करता है जो भारत की जनसंख्या को जैविक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टिकोण से बनाते हैं. ठीक है. इट ऑल्सो फंक्शन एज अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर एडवांस स्टूडेंट इन एंथ्रोपोलॉजी एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. ये मानव विज्ञान और प्रशासन के लिए उन्नत छात्रों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करता है. आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है यहां से वो फाइंड आउट करनी है. तो मैंने बताया आपको सेकेंड भी सही है एंड थर्ड भी सही है. तो ऑल द थ्री यानी कि डी जो है दैट इज द राइट आंसर. ठीक है. चलो. इट इज ओनली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू परस्यू एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च इन द गवर्नमेंट सेटअप. अगर आपको सरकारी सेटअप के अंदर मानव विज्ञान अनुसंधान के लिए अगर कोई शोध करनी है ना तो ये एकमात्र संगठन है. कौन सा आपका? दिस वन. नाम बताओ इसका जल्दी से. एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे. ठीक है. ऑफ इंडिया. द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है जेनेसिस वॉज फ्रॉम द जूलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल सेक्शन ऑफ इंडियन म्यूजियम विच बिकम्स द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1916. एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की उत्पत्ति भारतीय संग्रहालय के प्राणी और मानव शास्त्रीय खंड से थी जो 1916 में भारत का प्राणी सर्वेक्षण जो है वो बन गया. ठीक है. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखो 1916 में स्टार्ट किया था जिसमें हम बेसिकली जूलॉजी का आपका स्टडी करते हैं. ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करता है बट ये कल्चरल मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करता है. याद रखना दोस्तों, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ काम कर रहा है और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ काम कर रहा है. दोनों में फर्क है, आपको ये दोनों चीज जो है ना वो याद रखनी है. तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलीपुर. ठीक है. ये इंस्पेक्शन इतना 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 थोड़ा सा इसके बारे में आप देख लेना, चेक कर लेना. ये कल्चरल मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, ये भी हमने बात कर लिया. और ये ट्राइब और अदर कम्युनिटी को की पॉपुलेशन की स्टडी करता है जो भारत का कल्चरल व्यू पॉइंट से हिस्सा होते हैं. ठीक है. ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. इट इज फंक्शन एज ए ट्रेनिंग सेंटर फॉर एडवांस स्टूडेंट इन द एंथ्रोपोलॉजी एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. ये मानव विज्ञान में और प्रशासन के लिए छात्रों का एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करता है. इट पब्लिश द रिजल्ट ऑफ द रिसर्चेज और ये जो शोध परिणाम होते हैं ना उनको प्रकाशित भी करता है. सौरव गांगुली जो होता है वो उसको इंडिया सौरव गांगुली जो है उनको इंडिया का गुडविल एम्बेसडर जो है वो दिया गया और उन्होंने वो एक्सेप्ट भी कर लिया है. चलिए दोस्तों, इसी के साथ बस सुमित 10 याद रखना. सुमित 10 क्या है इसको यार शेयर करो मैक्सिमम जो है. आई होप आपको वीडियो पसंद आया है. अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए यार, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी आपको करना है चैनल.